Actually, I'm no one to judge, but भाईयाँ लगी मुझे. What about the कार्तिक आर्य? I'm not a fan. Not a fan, but still here. What about the music? वो हर मूवी में सेम एक्टिंग करते हैं. Direction was good, screenplay was good. कहानी was दिमाग घर पे रख के जाना पड़ेगा अगर देखनी है तो. दिमाग घर पर ही रख के गई थी. सिर्फ फन, सेंसलेस मूवी है, फन है, इट्स ओके टू वॉच. आई डोंट नो स्टार्स, लाइक आई डोंट नो. थैंक यू. ऑलरेडी डन इट. ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल वन. हाउ वाज द फिल्म? इट वाज नाइस. ओके, कैसा लगा आपको कार्तिक आर्यन का काम? अच्छा था. एंड कहानी की अगर बात करिए तो क्या कहना चाहेंगे कहानी के बारे में? 3 out of 5. एंड गानों की अगर बात करिए? गाना अच्छा था. थैंक यू. आ जाओ. बहुत बेस्ट फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है सर. कॉमेडी है और उसमें जो राकेश यादव का कैरेक्टर है वो तो सबसे बेस्ट है. मूवी सबसे अलग थी. कार्तिक आर्यन की सर एक्टिंग भी बेस्ट है, बेस्ट है, और उनका जो लुक है वो भी बेस्ट है, सबसे अच्छा लगा. तो म्यूजिक तो सर उसका रीमेक था क्यों से गोली मारे, वो भी गोविंदा का, गोविंदा सर का था, वो भी बेस्ट था सर, वो भी अच्छा था. कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं तो 5 stars दूंगा सर. How was the film? Very nice, very good. And what about the Kartik Aaryan? Kartik Aaryan ka kaam kaisa laga? Bahut excellent, best comedy kiya usne, best acting kiya usne. And direction ki baat kariye to direction kaisa laga? Best movie, scenes thode lage aaj, matlab kabhi kabhi beech mein, par aise best movie. And kitne star dena chahenge film? 4.5, 5. Thank you. Okay, how was the film? Yeah, it was fun. Yeah, it was good. And kahani ki agar baat kariye to kahani ne kitna impress kiya? सी मूवीज़ बनती है एंटरटेनमेंट पर्पज़ से, लाइक हम इसे रियलिटी से तो कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते. सो मूवी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से देखे तो स्टोरी एंड मूवी वॉज गुड. मुझे इसके अलावा कार्तिक की बाकी मूवीज़ और ज़्यादा अच्छी लगी है, मतलब उसका काम इससे ज़्यादा अच्छा लगा है. ये भी बहुत अच्छा था, बट yeah, he was good. Like what about the Apar Shakti? What about the Apar Shakti film? Yeah, he's amazing. He's my favorite. And what about the Rakesh Yadav? Yeah, he's amazing. Everyone, see Mausa ji, he was amazing. Like and Ananya was so. Bhumi was good. I'm talking about acting. Direction was amazing. Direction was good. And what were the songs? Songs? Yeah, Dheeme Dheeme were the song. There was, I guess, 2 songs. And was other songs for me. I'll give 3.5. थैंक यू. ऑसम. एंड इसी के साथ अगर बात करी जाए फिल्म की कहानी की तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड चल रहा है जिस हिसाब से कि पति पत्नी, और वो अभी मोस्टली हर एक घर में चल रहा है, तो उसी के ऊपर थी, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी, बहुत मज़ा आया. अगर बात करी जाए तो डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था, बट जो एक्टिंग थी वो थोड़ी इम्प्रूव हो सकती थी. यहाँ पे सिर्फ अपार शक्ति जो है उन्होंने काफ़ी नेचुरल काम किया है, और जो कैरेक्टर रोल्स थे, बट जो मेन में थे वो थोड़ा, जो बिहारी यूपी का जो एक्सेंट लाने की कोशिश कर रहे थे वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता. छिट्टू त्यागी के बारे में क्या कहना चाहिए? ही वॉज टू क्यूट, वेरी फनी, बट एक्टिंग जैसे कहा थोड़ा सा. एंड कार्तिक आर्यन मतलब आपको इम्प्रेस नहीं कर पाए? नो, ऑब्वियसली वो बहुत इम्प्रेस किया है, बट स्टिल एक्टिंग वाइज इट्स लाइक ही कैन इंप्रूव इवन मोर. एंड इसी के साथ में लगता है कि लोग जो पति पत्नी हो की अगर बात करें जाए तो मतलब क्या क्या कहना चाहेंगे वो के बारे में? वो उसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, बट इट्स लाइक के ठीक है, एक्टिंग थोड़ी और बेटर. एंड सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किस कैरेक्टर ने किया? भूमि पड़ने का, और उससे भी ज़्यादा राकेश यादव करके एक कैरेक्टर प्ले किया, वो बहुत मज़ा आया मुझे. एंड लास्ट वीक कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 3.5. थैंक यू. एक्सक्यूज मी, हाउ वाज द फिल्म? फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म अच्छी है भाई, और मज़ा आया. एंड कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहानी तो पहले बहुत आ चुकी है इसी, मैं आप 2-3 देख चुके, नो एंट्री में देखा. वो लोग कहानी तो नॉर्मल ही है भाई, एक पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में तीसरी आ जाती है, वो स्टोरी से ही पता चल रहा है, और एंड में क्या होना ये भी सबको पता है. लेकिन मेन चीज़ है जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, अच्छा है. डायरेक्शन कितना, मतलब आपने एंजॉय किया? डायरेक्शन कितना बेहतर था? डायरेक्शन ठीक है, पिक्चर थोड़ी सी बीच में हल्का सा स्लो होती है, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं. जो कॉमेडी पार्ट है फिल्म का, पंचेज हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है. अच्छा काम किया, अच्छा कैरेक्टर किया उन्होंने. किस कैरेक्टर ने आपको सबसे ज़्यादा? भूमि पेडनेकर, वेरी नाइस एक्ट्रेस, और जो उन्होंने काम किया मतलब उनके लिए उसको शुभकामनाएं दी जाती हैं. और इसी के साथ साथ एक देश को भी मैसेज देना चाहूँगा, हैदराबाद पुलिस को भी मैं एक बधाई दूंगा, जो उन्होंने ठोका है चारों को. बहुत मज़ा, मतलब मज़ा आ गया जब सुबह न्यूज़ पढ़ी
तो सभी राज्यों की जितने भी पुलिस है उन सबको एक मैसेज मेरी तरफ से कि जब भी रेप हो जहाँ भी रेप हो उनको कोई बैठा के खाना वाना मत खिलाओ, ठोक दो। 4.5 सर। जी चिंटू त्यागी ऑलमोस्ट सुपरहिट कैरेक्टर पहले से ही, ऑलमोस्ट उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की, उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगी भूमि के साथ में, फर्स्ट टाइम आए स्क्रीन पर। ओवरऑल अदर एक्टर्स अपार शक्ति खुराना ऑलमोस्ट सुपरहिट एक्टिंग करते हैं। हाँ राजेश शर्मा भी बहुत अच्छा उन्होंने एक्टिंग की, और जी राजेश शर्मा, राजेश यादव जूनियर कैरेक्टर राजेश शर्मा। हाँ के साथ में और क्या कहानी ने कितने इंप्रेस किया? कहानी ने सर बहुत बांध के रखा, फिल्म बहुत अच्छी है। हाफ से पहले जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, हाफ के बाद में बहुत सारे सस्पेंस रिवील होते हैं, बहुत सारे उनके साथ के स्टार आपको दिखेंगे फिल्म में, ये फिल्म देखना जरूरी है। गाने तो सुपर हिट है सर, ऑलमोस्ट पहले से म्यूजिक हिट था, और फिल्म में जिस तरह से उसको चेंज करके दिखाया गया तनिक बख्शी का, तो उनका स्टाइल एक जो है सुपर हिट है। 5/5 आउट ऑफ 4।